अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज लो बजट टूर्नामेंट का 8वां सीज़न जो है वो 8वां एडिशन आ गया। और कल सुबह तक खेलने, कल नहीं, 2-3 दिन हो गए हैं, सुबह तक खेलने के बाद टूर्नामेंट। और आज हमारे लड़के तकरीबन पूरे ही हैं, थोड़े से लेट हैं सैबी गुजर और फराज थोड़ा लेट है, बाकी बॉयज़ आ चुके हैं। हुसनैन पंप वेलकम बैक, थैंक यू। और असलान भाई की भी रेगुलर आना शुरू हो गया। असलान भाई आप भी अपनी गुजर 11 आज नहीं आपने एंटर कराई, उसकी क्या रीज़न है? वो बेसिकली हर टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करती है, बाकी सब प्लेयर्स रिटायर हो गए हैं, देखिए इनकी हालतें। बख्शी यार वेलकम, कल सुबह तक, कल नहीं दो तीन पहले सुबह तक खेले हैं। ताली भाई ये मेरे बचपन की चड्डी बड़ी पर्ची भी ले आए हैं, बख्शी भी लेके पर्ची भी ले आए हैं अपने साथ। हम तो एक ही मल्ले के थे, लेकिन ये उसका नहीं खेलता था, मैं खेलता हूं। नहीं लग भी नहीं रहे एक मल्ले के यार, तू बहुत चेंज है यार। यार उस जरा एक्स्ट्रा पड़ा, शायद हम नाले पे रहने लग गए इस वजह से, नाले पे रह रहे थे। टीम पूरी है, एक दो लड़के लेना है। पहला मैच हम इन्हीं बॉयज़ के साथ खेलेंगे और टॉस होने जा रहा है क्योंकि लो बजट है, कंपटीशन बहुत टफ है। और हमें सपोर्ट करते रहे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। और आ जाए जी नाजरीन, नया तो नहीं वही पुराना इंडोर, एक और नया टूर्नामेंट। ताली भाई ने लुक चेंज की है जरा अपनी तरफ से, ने मिचेल जॉनसन का छोटा भाई, लोग कमेंट्स कर रहे मिचेल खाचेसन बनने की कोशिश की। और आपको मैंने गुस्सा करके गलत एंगल में, जॉनसन जो है ना बाहर का प्लेयर है, पाकिस्तानी वो आवरियाज बने, वो आवरियाज बने हैं। तो इसी के साथ अनिस 11 के साथ मैच है, एक टूर्नामेंट हम पिछले दिनों हरबंस पूरा खेल के आए थे, माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस टूर्नामेंट में, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन भी किया था। और इसी के साथ पहला बॉल वाइड और वन अप अंपायर की तरफ से, वाइड और वन अप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टूर्नामेंट सब जा रही है टीम की। और वाइड बॉल, ओ भाई क्या करना है इसका, कभी मुंह पे कभी पेट पे लगने लग, कभी तोनते, पता नहीं किसकी बदवाएं। यार सलान भी भाई को किसकी बदवाएं, कौन नहीं रिश्ते की बदवाएं यार। और नो बॉल अंपायर की तरफ से, नो बॉल हाइट की, एक बॉल पर नो स्कोर हो चुका है, नो स्कोर, एक बॉल। और ओए 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 क्या शॉट है तालिब, बहुत ही अच्छे टच में लग रहे हैं। इसके साथ आपको बताते हैं फराज भी कहां है। यार फराज भाई को बीवी से इजाजत नहीं मिली, आज थोड़ा लेट आएंगे। सैबी डेट पे, यार कौन सी डेट पे, मैन फीमेल, सैबी का भी कंफर्म नहीं, मिक्स डेट पे सैबी। ओए ये क्या मिस कर दिया, ये क्या मिस कर दिया, स्विंग हुआ है, लेंगे तीन बॉलों पर अभी तक 15 स्कोर है। वाई नो बॉल, एक और नो बॉल, नौ की तरह से 11-12 हो गया, नो बॉल। अच्छा 11-12 नहीं ज्यादा हो गया भाई जान, है? तीन बॉलों पर 16 स्कोर हो चुका है। आज मुझे लग रहा है कि शायद तालिब बहुत ही अच्छी बारी करेंगे। और इसी के साथ अगला बॉल डॉट बॉल, ये तो तेरा कजन ही है। चार बोले 16 स्कोर एज यूजुअल, पहली दो बॉल पर स्कोर आया, उसके बाद तालिब साहब पट्टे पड़ गए। और एक और नहीं जी, कहने की देर थी, छक्का खूबसूरत, ये मिस करते तो मेरे पास का एक मसला चल रहा है, वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, नकी भाई हैं, हां जी साथ ज्यादा का बड़ा मसला चल रहा है। हां जी टांग पे लगा, टांग पे लगा, बीट ओवर। इस्लाम भी कुछ सवाल आप उठा रहे थे, सवाल मैं नहीं उठा रहा, सवाल जो है ना हमारी ऑडियंस उठा रही है, हमारी जनता उठा रही है। ओके, कि हमारी टीम का एक बहुत बड़ा बैट्समैन, बहुत उमदा, आखिरी बॉल तो सिंगल जरूरी है ना। हां जी चलें, नकी क्यों नहीं आ रहा अरसलान जी, क्या लग रहा है? नकी जो है ना वो पिछले कुछ अरसे से ना, हाँ जी, वो कमेंट्री कर कर थक गया है। ओके अच्छा, कमेंट्री कर थक गया था, जिसकी वजह से हमें जो फीलिंग आ रही है ना, हाँ जी हाँ जी, कि वो दिल बर्दाश्त हो। ओ, क्या बात है, कैच हो गया, बॉल ऐसे नीचे गया, बॉल नीचे गया, डिप हो गया, ले जी बॉल डिप हो गया, डिप ही हो गया पूरा। लो जी हमेशा की तरह तालिब भाई एक नॉन बॉलर से आउट होते हुए, 24 के बाद आखिरी ओवर है, ले जी हम आउट होके वापस कमेंट्री पैनल में आ गए हैं। और आज हमने पर्चियां खिलाई हैं हुसनैन पंप, जिसमें से पहले नंबर पर हैं, और क्योंकि आज इन्होंने मुझे पिक एंड ड्रॉप दिया है, इस वजह से इनको हमने बैटिंग में पहले भेज दिया। ऐसे ही होता है, छोड़ने भी जाएंगे जी। हुसनैन पंप प्लेयर से बात, बैटिंग एंड विद वाइड बॉल, खूबसूरत अंदाज बॉल लीड कर देगा। नकी नहीं आ रहा है, क्या रीजन यार, नकी का मूड नहीं सही है, मूड नहीं सही, नकी का मूड मुझे पता क्या हो रहा है, वो कमेंट्री कर उसके मुंह के अंदर छाले बन गए। हुसनैन पंप, ओह
डॉट बॉल स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि आज अभी हमारी बॉलिंग भी कंप्लीट नहीं है, प्रोफेसर फराज भी नहीं आए अभी तक और बख्शी भी अभी रोटी खा कर आए हैं और ये स्कोर रुकता हुआ भाईजान इजी नहीं लेना स्कोर करो शाबाश प्रैक्टिस में ना गेंद को ऊपर फेंक रहे थे ठा ठा मार रहे थे यही देख के आपको बैटिंग पे बैठ जाए देखना होगा स्नैप पंप छिक्का कर सकेंगे नहीं लेट्स सी और ये पुल का छिक्का पुल शॉट जैद पहली बॉल खेले लास्ट बॉल है सिंगल लाजमी करी स्नैन रनिंग तेज रखी सिंगल तेज रखी है जैद बट जो के लास्ट बॉल खेलने हैं दूसरे ओवर में और ये सिंगल गुड यार स्कोर 28 स्कोर हो गया दो ओवर में 28 स्कोर हो गया दो ओवर में और देखना पड़ेगा लास्ट ओवर में क्या बनता है कम से कम 15 से 20 स्कोर करें ताकि बॉलर्स के लिए डिफेंड करना थोड़ा इजी हो दो ओवर 28 स्कोर जैद बट स्ट्राइक पर मौजूद उनके तीसरे बॉलर बहुत तेज लग रहे हैं वो सुहेल तनवीर एक्शन बॉलर भाईजान भाईजान मेरी बात सुने ये कितना स्कोर मिनिमम होना चाहिए 28 तो है अभी पूरा ओवर पड़ा है 40 हाँ मेरे ख्याल से भी 40 स्कोर होना चाहिए क्योंकि पहले ओवर में बहुत अच्छा स्कोर था मेरे आउट होने के बाद थोड़ा स्कोर रुक गया जैद बट तैयार और अच्छा शॉट बहुत ही अच्छा तगड़ा शॉट कैसे उठा के छिक्का कर दिया बहुत अच्छा बॉल था बहुत अच्छा शाबाश जैद नहीं लग रही तो आ जाओ क्या जैद बट सुहेल तनवीर जूनियर को एक और छिक्का करेंगे देखना होगा जैद भाई वेरिएशन से आ रहा है वो पेस इतनी नहीं है लेकिन हाँ इतनी पेस नहीं है बख्शी लेकिन वेरिएशन से आ सीधा जाओ जैद और स्नैन पंप स्नैन कोच रनर रनिंग एंड से बैट्समैन को मशवरा देते हुए कि सीधे बैट से हैं कुछ नहीं है लगा ही नहीं है नो हमजा शदरिया भी आ गए हैं वेलकम करेंगे उनका और वाइट बॉल हमजा शदरिया जो कि एक लास्ट टूर्नामेंट में हमसे इन्होंने ड्यूरी तैयार की और ये आउटडोर का छिक्का मारने गए थे ये आया जी रिक्शा चला रहे हो कि नहीं दोबारा आ गए तो वेलकम बैक हमजा भाई पता लग गया कि ये टीम ने छोड़ दी जल्दी पता लग गया हमजा शदरिया बैक इन तालिब 11 जिसने तालिब 11 छोड़ी उसने रिक्शा चलाया और आज हमजा शदरिया रक्षे पर आए हैं वाइट बॉल आपको बताते चले कि जिसने तालिब इलेवन छोड़ी है रिक्शा चलाया है और आज हमजा शदरिया उसका ये हाल हुआ ये हाल। और हमजा शदरिया आज रिक्शे पे आए हैं ये भी साथ लेकर आए हैं भाई क्या हाल है ठीक है और हम शुगल मेले में स्कोर को थोड़ा नीचे ले जाते हुए स्कोर थोड़ा कम है बाउंड्री लगना थोड़ा जरूरी है 40 के करीब है लेकिन पहले ओवर में हमारा 23-24 स्कोर था उसके बाद और ये स्नैन पंप ने शॉट मारी लेकिन सिंगल डबल रन आउट का चांस रन आउट ओवर स्कोर टारगेट है 39 स्कोर का टारगेट है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि हमारे बॉलर तो अभी कंप्लीट नहीं है और पहले ओवर में 22-23 करने के बाद स्कोर नहीं हो अगले दो ओवर में लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने टूर्नामेंट का लो बजट का आगाज विनिंग से करें आपने व्लॉग के साथ साथ ना चैनल सब्सक्राइब किया तो लाजमी कर देना नहीं तो आपको भी रक्षा चलाना पड़ेगा बिल्कुल इतना मूड नहीं खराब होना चाहिए यार नक्की का मूड भी बहुत ज्यादा ऑफ है और हमजा भाई ये तालिबान ले गया था उसको हमजा भाई रिक्शे पे सफर कैसा रहा आपका बहुत अच्छा यार भाईजान इसके साथ आए इसने ही चलाया रिक्शा मैं तेरे से पहले आ गया था फाइज तो थोड़ा आ गया बख्शी तो इधर ही रहा ठीक है फील्डिंग सेट करते हुए और फील्डर्स हमने एक दो बार से रेंट पे लिए हैं पहला ओवर जैद बट करने आ गए अच्छा बॉल स्कोर रोकना पड़ेगा और स्नैन पंप बहुत स्पीड से आते हुए बाउंड्री लाइन से एक बॉल एक स्कोर और बैटिंग ठीक लग रही है उनकी और देखना पड़ेगा बख्शी अभी रोटी खा कर आए थे तो उनसे ओवर पहला नहीं हुआ और बख्शी ने 1200 किलोमीटर सफ़र भी तय किया पता नहीं किधर से आए हैं नाले में तैरते आए हैं इनका घर सामने नाले के अपोजिट है और और दूसरी बॉल पे कमाल का शॉट जैद बट को बहुत तगड़े बॉल करने पड़ेंगे ईजी नहीं लेना छिका गया दो बॉलों पर 7 स्कोर मुझे लग रहा है कि मैच थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए एक और छक्का जैद टप्पे पे शाबाश दो बॉलों पर 3 बॉलों पर 13 स्कोर
और बहुत ही अच्छी बैटिंग साइड लग रही है और देखना पड़ेगा अगली तीन बॉलें ज़ायद बट कैसे कम बैक करेंगे। और एक और ज़ायद बट को जाके समझाना पड़ेगा, बहुत ही उम्दा किस्म की जो है बैटिंग जा रहे हैं। बड़ी दूर से आया ऊपर से रिक्शे पे आया वो, पर बहुत अच्छा नहीं रहा ये, बहुत ऊपर टाइम सामने ना आए। ज़ायद भट्ट को मशवरा तो दिया, आप देखें ज़ायद भट्ट उस पर अमल करते हैं। इनके तीन चार बोलों पे 19 स्कोर आ गया, बाकी 20 स्कोर रह गया दो ओवर में, जो कि लग रहा है कि काम खराब हो सकता है। ज़ायद भट्ट ये गुड 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 स्लो बॉल, मशवरा पे अमल किया ज़ायद भट्ट ने और बच गए चार बोलें 19 स्कोर। ज़ायद भट्ट अपने ओवर वेल बॉल शाबाश ज़ायद, बहुत आला बहुत आला। एक ओवर 19 स्कोर जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, और देखते हैं अब हमजा बख्शी इस ओवर में हमें बचा सकते हैं कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमजा बख्शी बचा लेता होता है, देखते हैं क्या बनता है। हमजा बख्शी आ गए अपने ओवर का पहला बॉल करने और देखते हैं। वेल बॉल शाबाश 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 गुड बॉल। चंद सर आदमी सर करें, बख्शी दूसरा बॉल करते हैं और ये अच्छा बॉल गुड बॉल शाबाश बख्शी। दो बॉल है एक स्कोर, हमजा बख्शी का मैच सेविंग ओवर कह सकते हैं इसको। वेल बॉल ओ वाइड बॉल, हमजा बख्शी दो बॉलों पर दो स्कोर, पिछला बॉल वाइड और वन अप के साथ जाया। सामने बॉल और अच्छी फील्डिंग, रन आउट का चांस लेंगे अब्दुल्ला, नहीं लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स बाय अनस 11। तीन बोले तीन, मैच सेविंग ओवर, हाँ ठीक है हाँ मैच सेविंग ओवर हो सकता है। तीन बोलों पर तीन स्कोर, बाउंड्रीलेस ओवर करना पड़ेगा हमजा बख्शी को, क्योंकि आखिरी ओवर मेरा मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं है, पाँव के नीचे छाला भी बना हुआ जिससे बहुत ज्यादा। वेल बॉल यार, इजी होके चौका रोकी, इजी होके, बहुत आला शाबाश यार शाबाश गुड बॉल शाबाश बख्शी। चार बोले चार, हमजा बख्शी बहुत ही उम्दा ओवर करते है, बाउंड्रीलेस ओवर करना पड़ेगा ताकि आखिरी ओवर में 15-16 स्कोर मुझे मिले और मैं उसको डिफेंड करके अपना पहला मैच विन कर सकूं। वेल बॉल यार बख्शी, पक्के बॉल गुड यार, पक्के यॉर्कर, बुमराह वाले यॉर्कर मार रहा है बख्शी यार आज, जसप्रीत बुमराह की याद करा रहा है, वही ऐसे यॉर्कर मारता है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जो के, और बख्शी इसको कॉपी करते हैं, फेवरेट बॉलर भी है बख्शी का वो, और आज दिखा रहा है वो कि हाँ जी बुमराह वाले यॉर्कर चाहिए तो आज मैं मारूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, देखते जाएं एंजॉय करते जाएं और कमेंट्स में बताएं कि क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं हम। और हमजा बख्शी अपने ओवर का पांच लास्ट बॉल करते हैं, पांच बॉल चार स्कोर, हमजा बख्शी एफर्ट, ओए गुड यार रन आउट का चांस, उधर ओ यार उधर मार यार, रन आउट मिस कर दिया यार। ले जी आखिरी ओवर में 17-18 15 रह गया, ओवर हो गया कितना रह गया, 15 रह गया, और आखिरी ओवर मैं खुद करूंगा, कोशिश करूंगा डिफेंड करूं और मैच जीत के अगले मैच के लिए क्वालिफाई करूं। लेकिन कैप्टन बॉलिंग पे आ चुके हैं, दो हिट अभी एक वाइड ना होती तो 16 चाहिए था, कोशिश की है लेकिन अल्लाह को मंजूर, बाकी 15 स्कोर रह चुका है, डिफेंड करना चाहिए तालिब को। हियर वी गो गुड डॉ, एक बॉल एक स्कोर हियर वी गो। छक्का बॉल ही नहीं पहुंचा तालिब का, टूट गया छक्का, स्कोर है जान से आ, और हियर वी गो, कुछ भी नहीं है सिंगल, 7 स्कोर रह चुका है 3 बॉलों पर, हियर वी गो। हाय 2 बॉलों पर 7 स्कोर चाहिए जी, तालीबाज ने मैच फंसवा दिया, 2 बॉलों पर 7 फील्डिंग चेंज करते हुए, 2 बॉलों पर 7 फील्डिंग चेंज करते हुए, हियर वी गो। क्या बात है एक्सीलेंट बॉलिंग यार, बॉल नहीं हो रहा, हाँ यॉर्कर भी जाऊंगा पीछे, लेकिन नीचे ना आना जाना, ऑफ स्टंप भी जाऊंगा, पहला बॉल हो नहीं रहा, पहला मैच ही इतना टफ हो गया हमारा, एक बॉल पर 7 स्कोर चाहिए, ताली बाबा स्कोर छक्का
भाई छे। इसको मैंने समझाया था पिछला तेज कर दी हाथ वाइड हो जाएगा, नहीं सुपर ओवर बहुत दर्द हो रहा है, छाला बना हुआ है, बहुत गंदा बोल हुआ है, सुपर ओवर होने लगा। हाँ जी अनस 11 पहली दफ़ा लो बजट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और हमें ही पहले ओवर में पहले बहुत ज़्यादा बैटिंग अनस भाई। थैंक यू गुड यार भाई, कैसा फील कर रहे हैं लो बजट टूर्नामेंट में पहला मैच? बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, बड़ा मज़ा आ रहा है और अभी तो फर्स्ट मैच है, इंशाल्लाह आगे देखें इंशाल्लाह। आपने फर्स्ट मैच में जो है तगड़ी टीम को जो है ना थोड़ा सांस उनके खुश कर दिए, हमारे सांस खुश हो चुकी हैं और अब देखना पड़ेगा सुपर ओवर बख्शी कितना सेव करते हैं और फिर हम डिफेंड करते हैं चेस करते हैं। मैच फंसता हुआ पहला मैच ही सुपर ओवर मैच, बहुत ही मज़ेदार क्रिकेट। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स लाजमी करें और बताते जाएं इस सुपर ओवर में हम क्या करेंगे। लें जी हमजा बख्शी, ओ वाइड बॉल, 5-6 स्कोर पे रोकना चाहिए हमजा बख्शी को और जसप्रीत बुमराह वाले यॉर्कर मारने पड़ेंगे बख्शी को, इस तरह उन्होंने पहले मारे मैच में और इसमें भी करने पड़ेंगे बुमराह वाले यॉर्कर। ओह इन स्विंग गुड यार, गुड यार बख्शी, इस तरह की बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बॉलिंग भी तगड़ी है। कोशिश करेंगे कि 5-6-7-8 स्कोर पे रोकें और चेस करके अपना टूर्नामेंट का आगाज विनिंग से करें। सपोर्ट करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक बॉल एक एक्स्ट्रा बचाना पड़ेगा, बुमराह ले यॉर्कर मारने पड़ेंगे और सिराज वाली स्विंग करनी पड़ेगी। बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मजारा हमजा बख्शी की जानिब से। दो बॉल गुड बॉल, रन आउट का चांस, जैद बट लेंगे। ओ यार ओ इतना इजी तो दिया अरसलान भाई, ओ इतना इजी था अरसलान भाई, ओ यार हाथ में था अरसलान भाई, हाथ में है, समनावाल का नाम खराब कर रहे हो, वो तो पैसे खराब ही है पहले ही। लेफ्टी बैट्समैन जिन्होंने लास्ट मैच में 4-5 छक्के लगा के अपनी टीम को सुपर ओवर तक लेकर आए हैं, देखते हैं सुपर ओवर में कितने छक्के मारेंगे। हमजा बख्शी को सिराज वाली स्विंग और बुमराह वाला यॉर्कर मारना पड़ेगा, देखते हैं क्या करेंगे। और ये वाइड बॉल वन अप, दो बोले तीन, बख्शी ने एज यूजल अपना वन अप जाया कर दिया। बख्शी को बुमराह वाले यॉर्कर का है और शेख अख्तर वाले बाउंसर मारना शुरू हो गए हैं, देखते हैं अब स्विंग करेंगे या यॉर्कर। यॉर्कर ये गुड यार, शाबाश रन, गुड यॉर्कर बाय बख्शी बुमराह, डबल बी। शेख अख्तर वाला बाउंसर भी हो गया, बुमराह वाला यॉर्कर भी हो गया, अब रह गई है स्विंग जो कि वो करेंगे वसीम अकरम वाली स्विंग, देखते हैं। बख्शी बहुत ही उम्दा ओवर करते हैं, मैच सेविंग ओवर हो सकता है, मैच विनिंग ओवर भी हो सकता है क्योंकि जितना कम स्कोर होगा हमारे लिए चेस करना उतना आसान होगा। बख्शी आए और ये अच्छा, वेल यार हमजा, ओए यार गुड हमजा, शाबाश, एक्सीलेंट फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, शाबाश रन, गुड ट्राई। नीड बुमराह यॉर्कर हियर, लेट्स सी बख्शी यॉर्कर मारते हैं या वसीम अकरम वाला स्विंग करते हैं। और ये अच्छा डाउन स्लो बॉल, बहुत ही अच्छा स्लो बॉल सिंगल, शाबाश बख्शी, 5-5 बहुत आला, लास्ट बॉल मैच बॉल, बहुत आला बॉयज, बहुत आला फील्डिंग। ले जी मैच बॉल हमजा बख्शी जो कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक। लास्ट बॉल पहला मैच ही टूर्नामेंट का, बहुत ही अच्छा आगाज हुआ टूर्नामेंट का, सुपर ओवर मैच और अब देखते हैं हमजा बख्शी लास्ट बॉल कैसे सेव करते हैं। लास्ट बॉल मैच बॉल हमजा बख्शी आए और ये अच्छा, ओ गुड स्टॉप, उधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, चार बंदे पीछे आए हो यार, चार बंदे पीछे आए हो यार, आपने आज ही नहीं डाला यार, ये क्या यार एक्स्ट्रा स्कोर दे दिया यार, यार अरसलान भाई यार आपको लगता गुजर इलेवन में वापस भेजना पड़ेगा। ले जी एक्स्ट्रा स्कोर 10 हो गया अंपायर भाई, 11 स्कोर है, 11 हाँ जी, ये 6 पड़ा ये 5 के बाद 6, 11-12 स्कोर का टारगेट हो गया, अच्छा टारगेट हो गया, मुश्किल टारगेट हो गया, बाउंड्री करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या बनता है। लें जी इनका रोल है, ये कहते हैं जी आराम से हमने नहीं जीतना, चौका करवा दिया आखिरी बॉल पे और वो तो मिचेल जॉनसन बन के आया है। आज तूने बुमराह ले और शेख अख्तर वाले बाउंसर और वसीम अकरम वाली स्विंग तीनों बॉल का, मैं बस घर जा रहा हूँ, मेरा मकसद पूरा हो गया, पूरा मैच खेलना यार, क्या हो गया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ,
लें जी बॉलर उन्होंने हमारी मर्जी का लगा दिया दोबारा, पक्का नहीं लगाया। तालिब ने सिंगर भाई हमजा शादरा बारी आ चुके हैं, हिट करेंगे कि नहीं हमजा भाई, करने तो हिट ही आए हैं, देखते हैं जी। पहला बॉल है हमजा शादरी का पूरे दिन का, 10 हो रह गया पीछे क्या, हमजा डांस करते हैं अपवर्ड। नाजीन आपको बताते जाएं, अगर ये सुपर ओवर हमारे बीच होता है तो हमारे पास एक मैच होगा और वो हमें जीतना पड़ेगा, लेकिन बहुत काम टफ हो चुका है, बहुत टफ हो चुका है। ये देखो दो बॉल एक स्कोर, वाइट बॉल स्कोर आ गया, आ गया आ गया आ गया। ले जी हमजा शादरी दो बॉलें दो स्कोर, और तीन बॉलें तीन स्कोर, तीन बॉलों पर 9 स्कोर चाहिए हमें। आप देखते हैं जी, मुझे सिचुएशन भाई मैं मुझे लग रहा है क्रिटिकली जा रही है, मुझे लग रहा है शायद हमारे इनसाइड आउट हो जाए। मैंने वो पहले ही तालिब भाई को बोल दिया, मैंने कहा वैसे इस तरह की जो फेवर्स होती हैं वो ज़्यादातर अगली टीम की तरफ ही जाती हैं। हाँ। जैसे हमारे साथ चौका मिस हो गया आखिरी बॉल पर, छक्का हो गया जी। तालिब भाई टीम पर 9 रह गया यार, सुपर ओवर है कुछ भी हो सकता है, थोड़ी मुश्किल सिचुएशन, चलें देखते हैं मुश्किल सिचुएशन में, देखते हैं तालिब अब्बास परफॉर्म करते तो हैं इंशाल्लाह। हियर वी गो, बॉलर अगर कब्बे सजे ना करे तो छक्का हो सकता है। ओ नहीं जी, दो बॉलों पर 8 स्कोर आ गया जी, और ये बॉलर आए वाइट बॉल, छक्का बराबर आ गया जी, छक्की बराबर आ गई जी। ये बॉलर का एतराज था, इंशाल्लाह देखे जरा, दो बॉलों पर 7 स्कोर, उर 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 वाइट बॉल, दो एक हिट रह गया, दो पे 6 रह गया जी। किस्मत हमारा साथ देती हुई, जो कच इन फील्डरों ने मारी किस्मत वो हमें वापस दे रही है। नाजरीन दो पे 6 क्रूशियल सिचुएशन, आवाम दुआएं करती हुई, और गुड बॉल गुड बॉल गुड बॉल। ये देखें ऐसे ऐसे कवर होता है पीछे से, ऐसे ऐसे कवर होता है पीछे से, पीछे से पीछे कोई नहीं आया। नाजरीन आपको बताते जाएं, हमेशा उस टीम ने हमारे इनसाइड आउट किया है जिसने इतनी क्रिकेट खेली नहीं होती, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आप कह रहे हैं कि बख्शी अभी ऐसे क्यों कह रहा है, अभी तो बाउंड्री लगी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है हियर वी गो, और गुड बॉल। कप्तान जी फील्डिंग, यार फील्डिंग की ऐसी आ रहे हैं मैच, क्योंकि उनका बॉलर भी ठीक था, सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी लाइन पे किए हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। और मिस फील्डिंग ऐसे पूरी फील्डिंग, सुपर ओवर का मैच गया हम हार गए, और बॉलिंग पूरी नहीं है, प्ले मैच रन रेट पे आ गया। अगला मैच जो है उनका है, अभी चांस है हमारे पास, अगर वो मैच हारते हैं, अगर नहीं हारते तो फिर हमारी छुट्टी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ मैच के लिए।